किले पे जा रहे हैं और ये वाली ड्रेस मैं पहन के जा रही हूँ, और मिस बाप ने बताया कि कौन सी पहननी है उसने, और हमने बड़ी मुश्किल से बाजी को मनाया कि हमें किले पे लेके चलें, और बड़ी मुश्किल से वो मानी। अब गाड़ी आ रही है, हम शाम को जाएंगे, थोड़ी देर तक अभी जाएंगे किले पे, और वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे हम कैसे। ये वाला मिसबा का है, ये वाला मेरा है, रे और भाई का है, ये उससे छोटे का, ये उससे छोटे। मोहम्मद मोहम्मद वो देख बाबा इसी देर से कह रही थी, अभी तक इसको यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग जा रहे हैं, बार बार लगी हुई है, अगर ये हो गया फिर अगर वो हो गया फिर। मैंने कुछ नहीं होता भाई, बस मैंने तो सीधे में अब एक पहन लिए, साथ में अपने शूज पहन लिए क्योंकि ठंड होनी है। आई एम धनाधन। विनाश कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। कितनी प्यारी। बहुत। मैं जल्दी से पर्स उठा लो और मेरे साथ फोन पर चल रहा, जल्दी आओ, जल्दी इधर जल्दी आओ, फटाफट भाग के विनाश आओ, आज मैं इस पर हमने मार्क्स कर। अच्छा जी, अभी आप काउंट कर ले बच्चे सारे, ताकि वहाँ घूमना हो जाए सही दिन। हाँ रखना अपने बच्चों का, 1 2 3 4 माशाल्लाह 5 6 7 8 8 हम लोग लोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वापस 8 ही आएंगे सही। अब निकलते हैं फटाफट, देर बहुत ज्यादा हो गई है और आज से गुस्सा हो रहा है। लाइन में तो ऐसे जा रहे जैसे हलवा भाई, लाइन में तो ऐसे जा रहे जैसे भाई हलवा कोई देने आया हो। हाँ वो तो बना रही है, पता नहीं तो को अपने बच्चे की फिक्र क्या नहीं जाएंगे। चार बैठ गए, बाकी चार रह रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। चलो अभी चलते हैं आगे, फिर देखते हैं, शौक पूरा कर लो। कितने साल से शौक था? पता नहीं, 6 साल। बचपन से ही लाज पूरा हो गया ना अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, खुशियाँ मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। बहुत सारी बहनें भाई जो भी मुझे देख रहे हैं वो जानते तो होंगे, ये मैं मुल्तान के, जो कि आपको पता ही है कि किला और यहाँ पे जो फेमस दरबार है शाह रुकने आलम का, हम लोग वहाँ पे आए हुए थे। और बच्चे जिस दिन से मैं आई हूँ ना, उस दिन से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, और इन्होंने फरमाइश की थी कि आप ही हमें किला पे लेकर जाएं, हमारा बहुत शौक है। जिस दिन से हम लोग मुल्तान आए तो हम लोग किला नहीं जा सके, तो जब हमारे रिश्तेदारों से या इधर उधर से जहाँ भी हम लोग बात करते हैं ना, तो वो कहते तुम लोग अभी तक किला पे नहीं गए तो हमें कौन लेकर जाएगा, आप ही तो हमें लेकर जाएंगी। तो मैंने कहा कि चलें फिर आज ये काम करते हैं, कि आज हमारे कुछ ज़्यादा काम नहीं थे करने के, तो मैंने कहा कि चलें फिर आज के दिन तैयार हो जाएं आप। पहले तो आसिफ ने गाड़ी का पता किया था, आसिफ के हाँ जो आसिफ के दोस्त की गाड़ी थी ना, तो वो तो फिर लेकर गए हुए थे अपने, मतलब वो कहीं गए हुए थे गाड़ी पे। तो फिर आसिफ ने कहा कि चलो ठीक है काम करते हैं, कि यहीं से फटाफट रक्षा, फिर हाँ रक्षा ही करवाया, और फिर रक्षा पे हम लोगों ने बच्चों को बिठा दिया, मैं और आसिफ बाइक पे थे। तो बस अभी हम लोग किला पे पहुंच गए, सबसे पहले दरबार की तरफ चलते हैं, सलाम करते हैं। आप में से भी जो बहनें सलाम करना चाहती हैं वो सलाम कर लीजिएगा।
अच्छा वैसे बच्चों के साथ ऐसी जगहों पे जाना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, आप यकीन करें। खास तौर पे जैसे मैं इन बच्चों को लेकर तो चली गई थी और मैं नज़र मेरी बच्चों पे थी, मैं इधर उधर कहीं भी नहीं देख रही थी, मैं जस्ट इन बच्चों को देख रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है घर खैर खैरियत से पहुँच जाए, किसी की इमानत थी तो मुझे ये था कि बस खैर से बच्चे घर चले जाएँ। आप यकीन करेंगे कि पीछे जब मैं मुड़कर देखती तो एक बच्चे ने मुँह उधर को उठाया हुआ होता था, एक मुँह उधर, तो वहीं पर खड़े होते थे और हम कहाँ पहुँच जाते थे। फिर मैंने पीछे जाना, आवाज़ देनी, उनको वापस लेकर आना खींच के, फिर मैंने कहा कि आप लोगों ने हाथ पकड़ के रखने हैं और मैं किसी का हाथ छूटा हुआ ना देखूँ। आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखोगे तो एक तो पता चलता है, चलो एक अगर किसी चीज़ में मगन हुआ हुआ है, बिजी हुआ हुआ है, किसी चीज़ को देख रहा है, तो दूसरा बोलेगा तो सही आप ही कहाँ पहुँच गई है। तो खैर फिर मैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, तो फिर मैं इनको बार बार आगे लगा रही थी कि मेरे से आगे रहो, बस तुम लोगों ने पीछे नहीं रहना, क्योंकि मेरी फिर नज़र इन्हीं बच्चों पर थी और मैं मुड़ मुड़ के जब इधर उधर देखती थी तो बच्चे कहीं खड़े होते थे तो मुझे टेंशन होती थी। फिर मैं कहती थी कि अल्लाह ना करे तुम लोगों में से कोई बच्चा गुम गया ना, तो भाई मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो खैर इसके इनके अम्मी अब्बू भी साथ नहीं थे और हमारी जिम्मेदारी थी, हम बच्चों को लेकर आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ना टेंशन हो रही थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स लिए हैं और अब अंदर चलते हैं और चलकर आप लोगों को भी दिखाती हूँ जो भी अंदर गैलरी होती है, मतलब इसको दम दमादम मेरे ख्याल में ये मतलब एरिया है, दम दमादम कुछ इसी टाइप का ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस किले के बारे में भी कि मतलब इसको किस तरीके से आज़ाद किया, ये वो हर चीज़ जो है ना उसके बारे में बताइए, हमारे सकाफ़ती जो भी मतलब पाकिस्तानी सकाफ़ती ड्रेसेस वगैरह होते हैं उसके बारे में भी कुछ दिखाया गया, कुछ चीज़ें रखी गई हैं, मतलब अब उस टाइप का तो नहीं है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब एक जब नई नई चीज़ होती है, या फिर जब मैं तकरीबन कोई पिछले साल आई थिंक मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर आई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो कि इस दफ़ा मुझे बहुत कम नज़र आई हैं, मतलब फिर उस तरह से केयर नहीं रहती चीज़ों की जैसे आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर यहाँ पे ना अभी बस मैं बच्चों को दिखाई थी जो अपने सकाफ़ती ड्रेसेस हैं उसके बारे में बताया हुआ था, जो पंजाबी सिंधी बलोची या जो भी जिस तरह के भी ड्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो भाई बैठे हुए हैं ना, तो आपको पता ही है कि ये मतलब इस तरह से अपना पेंट वेंट करके फेस पे और इस तरह से बैठे होते हैं, तो बच्चे बड़ा डर रहे थे इसको देख कर, हैरान हो रहे थे कि ये तो बुत है तो ये किस तरह से उठ के चल रहा है इधर उधर। तो है यहाँ पे फिर मैं सब बच्चों को दिखा रही थी कि देखें ये जो चीज़ें इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है नीचे, अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम एक एक मतलब खड़े होकर यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ने में टाइम नहीं लगता लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है इस चीज़ से। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री से, तो यहाँ पर वो आप सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो मैं बच्चों को बस इसी तरह फटाफट से बता रही थी कि इसके बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ के बारे में, और ये बताया गया है कि जो पहले के मतलब बादशाह थे या जितने भी जो मतलब आवाम थी वो किस तरीके से रहते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे जंगें हुई और कैसे ये किला जो था ना वो फतह किया, और ये वो सब चीज़ें जो है ना उस पर कुछ लिखी हुई थी, तो वो बता रही थी मैं इनको। अच्छा किला जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ पे जब मैं देख रही थी खुद भी, ये शाहरुख ने आलम दरबार हो गया या फिर ये आर्ट गैलरी जो है दमदमा जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, और इसके अलावा वो जो कॉर्नर पे एक प्याला सा पड़ा हुआ है पानी वाला, ये कौन सा एरिया यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं अभी तक गई नहीं हूँ। और इसके अलावा भी यहाँ पे मतलब कुछ मुल्तानी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब डेकोरेशन की तो वो भी मिलती है, लेकिन मैं ना सोच रही थी कि बच्चों को बस मैं पूरा घुमा लूँ एक दफ़ा अच्छे से, फिर ही मैं देखूँगी वो जगह पे जाती हूँ या नहीं जाती अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज़ मुझे ये था कि बस एक दफ़ा बच्चे सारा जो है ना वो किला देख लें, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा था और इनका बस दिल करता था कि बस मैं हम लोगों को बस बाजी कब लेकर जाएगी, और इवन घर से निकलते वक्त उनको ये हो रहा था कि कहीं रिक्शे वाले को कुछ हो ना जाए, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आप ही और भाई बदल ना जाए एकदम से कि नहीं जाना नहीं लेकर जाएंगे, तो मतलब इनको इस हद तक जुनून था यहाँ पर आने का। तो हैर हैर से हम लोग आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे देखें मुल्तान का जो व्यू है कितना ही खूबसूरत है माशाल्लाह से।
अच्छा यहाँ पे ना आपको मजे की एक बात बताती हूँ। मेहनाज ने ना अपने भाई को बोला कि अब ना हम लोग आप ही हमें लेकर आई, तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं, तो नोरीना आप ही का नारा लगाते हैं ना, तो ये जो ब्लू शलवार कमीज में लड़के ना आसी ने उधर ही कैमरा बंद कर दिया क्योंकि हमें तो पता नहीं ये नारा लगाने वाले थे। मैं तो कह रही थी बस बोल दे ज्यादा लाइक करे शेयर करे, और आगे इसने अच्छा आसिफ ने तो आसिफ के हाथ में मोबाइल था ना, तो उन्होंने तो कैमरा उस टाइम पे स्टॉप कर दिया। आसिफ को नहीं था पता कि मतलब ये नारा लगाने वाला कुछ मेहनाज ने इसको बोला था, और इसने इतनी ऊंची आवाज़ में बोला नोरीन आप ही कीजिए, मतलब लोग देखने लग गए उधर उधर से, तो मैंने भी थप्पड़ मारा था कि क्या कर रहे हो। थोड़ी देर देखने के लिए तो तो अभी ना बच्चों से पूछा कि वो लोग खाएंगे क्या खाने का, पहले तो हम लोगों ने सोचा कि खाना कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं बर्गर खाना है, क्योंकि ये आपको पता है कि बच्चे रोज़ रोज़ तो बाहर निकलते नहीं बेचारे, जब से यहाँ पे आए हैं तकरीबन 6-7 महीने हो गए इनको, और ये अभी तक किला ही देखने नहीं निकले थे, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि जो ये कहेंगे ना हम लोगों ने वही करना है, तो इसलिए फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों ने बर्गर खाने हैं। तो फिर मैंने आसिफ को बोला कि बच्चे बर्गर बोल रहे हैं तो उनको बर्गर ही खिलाएं, और आपने चाहे अपने लिए कुछ करना है तो वो आप अलग कर ले, तो फिर मैंने तो बच्चों के साथ बर्गर ही कर लिया था। हाँ जी बच्चों ऐसे करो, कराची से हम लोग तो यहाँ के है ही नहीं, ना 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 नहीं कराची से हम लोग आपको फिर आपको दिखाता चेक कराता, मेरा नंबर ले लेना यार। वाली जरा खेड़ी होगी चल रही
दिन में भी होते हैं आप? तूने लोटी लगानी है रख दे पीछे से आ जाए तो खड़ा हो जाए। क्या नाम है होटल का? कहाँ पे है? बीसी चौक के नज़दीक कासिमपुर। अच्छा, देखने में टेस्ट तो बड़ा कमाल का लग रहा है, अभी खाएंगे तो पता चलेगा। तो भाई कमेंट सेक्शन में आपने इन भैया के लिए जो भी ये टिक्का शिक्का बना रहे हैं, ये बिस्मिल्लाह टिक्का है, इन्होंने एड्रेस वगैरह अपना बता दिया इसी में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा इनके लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शौक से वीडियो बनवाई है और इन्होंने कहा है कि भैया आप लोग ज़रूर अपने ब्लॉग में शेयर करिएगा। बल्कि इन्होंने व्हाट्सएप पर भी कुछ क्लिप्स भेजे हैं जो कि मैं अभी आप आगे आपके साथ शेयर करती हूँ और वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है? तो आप लोगों ने कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन भाई के लिए कुछ भी कमेंट्स कर देना है, ठीक है जी? ये क्या यहाँ पे क्या खासियत क्या है इसकी मिर्चों की? ये हमारी मशहूर है सबसे ज्यादा ना, सबसे अच्छी है। अच्छा, मुल्तान की है। आपका नाम किस ज्यादातर जो चलता है? बिस्मिल्लाह टिक्का छोटे वाले पीस, छोटे वाले। अच्छा अच्छा, रोटियों के साथ रोटियां रख रहे हैं।